देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती पूजन किया गया। बाबा की भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आज महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। वहीं इस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री बाला बच्चन भस्म आरती में शामिल हुए। वहीं उन्होंने प्रदेश और देश की उन्नति की कामना की। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि 20 सीटों से भी अधिक सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। वहीं महिला अपराध को लेकर बढ़ रहे स्तर को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून का ढांचा बहुत बिगड़ा हुआ है, इसमें सुधार किया जा रहा है। देखिए, आज बहुत बड़ा पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है और महाकाल भगवान के मैं दर्शन करने आया था और मैं बचपन से ही महाकाल भगवान से मैं जुड़ा हुआ हूं और आज मैंने फिर महाकाल भगवान के दर्शन किए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए अमन चैन भाईचारा और शांति के लिए भगवान से मैंने प्रार्थना की है और आज के इस पावन पर्व की मैं पूरे प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि हमारा प्रदेश खूब तरक्की और उन्नति करे और अमन चैन और भाईचारा बना रहे और शांति का टापू हमारा मध्य प्रदेश बना रहे और खूब तरक्की और उन्नति को और हम लोग अग्रसर होते रहे, ऐसा मैंने भगवान महाकाल से मैंने प्रार्थना की है। उज्जैन से EMS TV के लिए तन्मय खंडूजा की रिपोर्ट।